आज हम कक्षा नौवीं विषय संस्कृत के चतुर्थ पाठ कल्पतरु का अध्ययन करेंगे। कल्पतरु का अर्थ है अपने मन की कामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष, यानी अर्थात अपने मन में जो कामना होती है उसको अपने इच्छा अनुसार कार्य फल प्रदान करने वाला वृक्ष। प्रस्तुतो अयम पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा ग्रंथात संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल विंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटना भी च जीवन मूल्यानाम निरूपण वर्तते, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायाम पूर्व कालात एव स्वगृह उद्यान स्थित कल्प वृक्षेण जीवितवान लौकिक पदार्थाना न याचते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुख को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोको भोग्य भौतिक पदार्थानां जल तरंग वग्द अनित्या अस्मिन् संसारे केवल परोपकार एव सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व अस्थि। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान संचल है, केवल परोपकारी इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। और ग्रंथ परिचय वेताल पंचविंशति का 25 ग्रंथों का संग्रह है। इस नाम की दो रचनाएं पाई जाती है, एक शिवदास 13वीं शताब्दी द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का प्रयोग किया गया है। दूसरी जम्बदत्त की रचना है जो केवल गद्यमयी है। इस कथा में कहा गया है कि राजा विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक सोने का एक फल देता है। उसी तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम शमशान से शव लाता है, जिस पर सवार होकर एक वेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए कथा सुनाता है तथा सुनते समय राजा को मौन रहने का निर्देश देता है। कहानी के अंत में वेताल राजा से कहानी पर आधारित एक प्रश्न पूछता है, राजा उसका उत्तर सही देता है। शर्त के अनुसार वेताल पुनः शमशान पहुंच जाता है। इस तरह 25 बार ऐसी ही घटनाओं की आवृत्ति होती है और वेताल राजा को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ये कथाएं अत्यंत रोचक, भाव प्रदान और विवेक की परीक्षा लेने वाली है। अस्ति हिमवान नाम सर्व रत्न भूमि नगेंद्र, पृथ्वी पर सभी रत्नों से युक्त स्वरूप वाला पर्वतराज हिमालय स्थित है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, जिसके सबसे ऊपरी भाग में कंचनपुर नाम का नगर स्थित है। तत्र जीमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्म, वहां पर जीमुत केतु के श्रीमान विद्याधरपति निवास करते हैं। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित, उसके घर के उद्यान में अपने परिवार वालों से या परंपरा से कल्पतरु का वृक्ष स्थित है। सह राजा जीमुत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् च बोधित सत्वा संभवम जीवितवानम नाम पुत्र प्राप्तवान। वह राजा जीमुत केतु तम कल्प वृक्षतम उस कल्प वृक्ष को आराध्य तत्प्रसादात आराध्य मान करके तथा उसको प्रसाद के रूप में मान करके सबोधित सत्वा संभव, यानी वो बुद्ध के द्वारा, भगवान बुद्ध के द्वारा पूजा जाने वाला वृक्ष भी उसे माना जाता है और उसी जीवित मान नाम उसे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई।
सह जीमूतवान महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह जीमूतवान महान बहुत बड़ा दानवीर और सभी के ऊपर कृपा करने वाला था। तस्य गुणे प्रसन्न स्व सचिव से परिहृत राजा कालेन संप्रात्य यौवने तम यौवन राज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुणे उसके गुणों से प्रसन्न होकर के स्व सचिव उसके सचिव और मंत्री उसे प्रेरित होकर राजा के समय में संप्राप्त्यों में राजा के समय से जो भी प्राप्त हुआ तम यौव राज्य अभिषिक्ता वो उस युवराज को समर्पित कर दिया। कदाचित हितेशिन पित्र मंत्रीगण यौव राज्य स्थित तम जीवित वाहन उक्तवन। कभी भी हितेशी और पिता और मंत्रियों के द्वारा यौव राज्य उस युवराज स्थित तम जीमूतवान उक्तवान उस जीमूतवान को कहा युवराज योयम सर्व कामाद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति। ये जो सभी कार्य होते हैं ये सब कल्पतरु की मेहरबानी से होते हैं जो आपके उद्यान में स्थित है खड़ा है। सह तो सदा पूज्य अस्मिन अनुकूले स्थिते सति सक्रो अपि अस्मान बोधितुम न शक्यताम। और अस्मिन अनुकूले इसी के अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता है। धन्यवाद।